कि आप नमाज पढ़ते हैं, यकीनन पढ़ते होंगे, और जो लोग नमाज नहीं पढ़ते क्यों नहीं पढ़ते मैं बताता हूँ। आपको पता ही नहीं है कि नमाज क्या चीज़ है, आपको इल्म ही नहीं है कि नमाज में हम करते क्या हैं। वो एक मौज़िन अजान देता है, हय्या अलस्सला हय्या अलफलाह, आपको उसका मतलब पता है? वो क्या कहता है? जब आप अल्लाह के सामने नमाज के लिए खड़े होते, आप अल्लाह अकबर कहते हो, सना पढ़ते हो, सूरह फातिहा पढ़ते हो, आपको पता है आप उसमें क्या बातें करते हो? ये आपकी और मेरी दीन से दूरी का वजह यह है कि हमें पता ही नहीं है कि हम नमाज में क्या पढ़ रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि नमाज होती क्या है। अरे नमाज तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन, उनके पास ये कामयाबी की चाबी थी। किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, कोई परेशानी आ जाती थी, फ़ौरन नमाज पढ़ते थे और अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाह ताला आप ही हैं जो मेरे मसले हल कर सकते हैं। उनके मसले हल भी होते थे, उनको पता था कि नमाज क्या है। अरे भाइयों, सबसे पहले तो आप नमाज को तर्जुमे के साथ पढ़ो, आपको पता चले आप नमाज में अल्लाह से क्या बातें कर रहे हैं, फिर देखना कि आपका नमाज पढ़ने का कितना दिल करेगा।